तो इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि 129 दिनों से जेल में बंद थे आशीष मिश्रा, जिनको की आज रिहा कर दिया गया है। सीधे आपको बता रहे हैं कि 10 तारीख को कोर्ट ने, लखनऊ कोर्ट से उनको जमानत दे दी गई थी, लेकिन आज उनकी रिहाई हुई है। तो इस वक्त वो जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 129 दिन का लंबा सफर उन्होंने जेल में बिताया है, लेकिन आज उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी जेल से उनकी रिहाई हुई है और 10 तारीख को लखनऊ हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड, जिसमें की कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिस गाड़ी से किसानों की दबकर मौत हुई थी वो गाड़ी आशीष मिश्रा की थी, जिसके चलते उनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजा गया, लेकिन 129 दिनों के बाद आज उन्हें लखीमपुर जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि लखनऊ हाई कोर्ट ने 10 तारीख को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके बाद आज उनको रिहाई मिली है। ऐसे में लखीमपुर कांड के बाद पनपती सियासत को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या एक बार फिर ये मुद्दा गर्म हो जाएगा, क्या एक बार फिर लखीमपुर कांड को लेकर जो तीर हैं वो एक बार फिर सियासी तीर चलने को देखने को मिलेंगे। लेकिन आज आपको सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया है। 10 तारीख को जमानत दी गई थी लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से और आज लखीमपुर खीरी जेल से वो रिहा हो गए हैं।